हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ बना के ज़रूर देखें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आज हम बनाएंगे पनीर के पराठे। पनीर का पराठा बनाने के लिए पहले हम आटा गूंद लेंगे। हमने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है 2 कटोरी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम आटा गूंद लेंगे। आटा हमें गीला गूंदना है, बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं गूंदना है। ऑयल मिक्स कर लेने से या फिर घी मिक्स कर लेने से जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदता है, जिससे जो पराठा होता है वो फटता नहीं है और अच्छे से फैल जाता है। तो इसमें हम जो भी मिश्रण डालते हैं वो उसमें अच्छे से फैलता है और प्लस हमारा जो पराठा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है। तो हम आटा गूंद लेते हैं अच्छे से और हम आटा थोड़ा गीला गूंदेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा गीला ही रखेंगे। इससे क्या होता है, जो पराठा होता है वो अच्छे से बनता है। देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार है। हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है, कितना सॉफ्ट सा आटा गूंदा है ये। अब इस आटे को अच्छे से ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ी देर बाद फूल जाए। इसको हम ढक के रख देते हैं इस तरीके से। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम फिलिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिलिंग को प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ले लिया था। इस पनीर को हम कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। ऐसा करने से जो भी चीज़ हम इसमें मिक्स करते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाती है और पराठा भी अच्छे से बन जाता है और वो फटता नहीं है। आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से भी क्रम्बल कर सकते हैं, नहीं तो आप कद्दूकस की मदद से इस तरीके से इसे ग्रेट कर सकते हैं। हमारा पनीर ग्रेट हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज ऐड करने से जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे हम इसमें। जो अदरक नहीं खाना चाहते वो इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। जो तीखा नहीं खाते वो लाल मिर्च पाउडर कम ऐड करें या फिर ना ऐड करें। और यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च। और इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। नमक हमने इसमें ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया डालने से जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हरी धनिया होती है ये पूरे फिलिंग के टेस्ट को ही चेंज कर देती है, तो हरी धनिया ज़रूर मिक्स करें। इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिलिंग जो है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारी फिलिंग अच्छे से मिक्स है और बनके तैयार है। ये कितनी अच्छी सी बनी है, हरी भरी सी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। ये देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। हमारा आटा बहुत ज़्यादा देखिए फूल के सॉफ्ट हो चुका है। कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा गूंदा है। ऐसा सॉफ्ट आटा जब गूंदता है तो इससे जो पराठा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है, प्लस वो फटता भी नहीं है। अब हम इस तरह से लोई बना के छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे इस तरीके से। और इसके हम छोटे छोटी इस तरीके से हाथों की मदद से पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसीलिए जब हम इसमें तेल डालते हैं या फिर घी ऐड करते हैं तब ये आटा इतना सॉफ्ट सा बनता है। अगर जो आटा गूंदते टाइम घी वगैरह ऐड करना भूल गए उसमें, तो वो आटा गूंद जाने के बाद उसमें लास्ट में घी लगा के भी उसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे, तभी वो इस तरीके से आटा हो जाएगा। अब जो हमने पेड़े बनाए थे उसे हम उसमें हम आटा लगा के उसे हाथों और उंगलियों की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे। और फिर हम इसमें जो हमने फिलिंग बनाई है उसे भर लेंगे। इसे उंगलियों के अंगूठों की मदद से इस तरीके से दबाते हुए फैला लेंगे। और इसमें हम अपना जो हमने फिलिंग बनाई है उसे हम डालेंगे और इस तरीके से भर लेंगे। इसे इस तरीके से अंगूठे की मदद से दबाते हुए इस तरीके से इसके बॉर्डर को जो है हम इसके अंदर हम इसे फिल करते जाएंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से मैं फिलिंग भर लेने के बाद हम जो एक्स्ट्रा आटा उसे निकाल के और इसे गोल कर लेंगे हाथों की हथेलियों की मदद से, इसे दबाते हुए इस तरीके से बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसे हम फिर आटे में डुबा के इसमें हम आटा लगा के फिर इसे हम बेलन से बेल लेंगे। इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए आटा अच्छा सा गूंदा था, इसी वजह से ये पराठा बिना फटे बन रहा है। इस तरीके से हम इसे बेलन की मदद से बेलते हुए बड़ा कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से बेल रहा है, क्योंकि जब आटा जो है अच्छे से गूंदा था। जब आटा अच्छे से गूंदता है तभी पराठा अच्छे से बनता है। अगर आटा सही नहीं गूंदेगा तो आपका पराठा जो है वो साइड से फट जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा पराठा बनके हमारा रेडी है। अब हम इसे तवे पे डाल लेते हैं। हमने तवा पहले ही गर्म कर लिया था। एक तरफ से सिक जाने के बाद हम इसे पलट देंगे। तो ये एक तरफ से सिक गया है, अब इसे हम पलट देते हैं और इसमें हम ऑयल लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसमें घी लगा सकते हैं। आपको अगर रिफाइंड तेल पसंद है या सरसों का तेल पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप उसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे थे। अब ये दूसरी तरफ से भी सिक गया, इसे हम पलट लेते हैं और इधर भी हम इसमें ऑयल लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें अच्छे से ऑयल लगाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो गया है और पराठा कितना सॉफ्ट सा बना है। हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से चारों तरफ इसके कि हर साइड में अच्छे से तेल लगा लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल फूल के हमारा पराठा रेडी है। तो जब आपका आटा अच्छे से गूंदेगा तभी आपका पराठा इस तरीके से फूला फूला सा बनेगा। तो इसलिए अपने आटे को गूंदते टाइम ध्यान रखें कि आटा थोड़ा गीला ही गूंदे। बहुत सख्त आटा गूंदने से पराठा ना तो सॉफ्ट बनेगा और ना ही इस तरीके से बनेगा। हमारा पराठा बन के रेडी है। तो अब हम पराठे के साथ सर्व करने के लिए चटनी बना लेते हैं। हमने धनिया ऐड कर लिया है, इसमें हमने पुदीना ऐड कर लिया है, हमने दो मिर्च, थोड़ी सी अदरक, इसमें टमाटर ऐड कर लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा आयोडीन नमक और इसे हम पीस लेते हैं। हमारी चटनी जो है वो बनके रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी मिंट की। हमने इसमें ताज़े मिंट लिए थे जो हमारे घर पर अवेलेबल थे। हम इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर लेंगे। नींबू ऐड करने से चटनी का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हमारी चटनी बनके रेडी है। इसमें नींबू हमने निचोड़ लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ग्रीन ग्रीन सी चटनी बनके रेडी है। इस चटनी के साथ अगर आप पनीर के पराठे को खाते हैं तो आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी सी कितने अच्छे टेक्स्चर में ये हमारी चटनी बनके रेडी है। तो हमारा पनीर का पराठा बनके रेडी है। इसे चटनी के साथ सर्व करके खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। और आप चाहें तो इसे इसके साथ चाय पीजिए तो और ही ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे पनीर का पराठा बनके रेडी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।